हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करता हूं धौलपुर के बाड़ी फसेड़ी में एक स्थान है जहां पर तालाब है, इसको हम तालाबे शाही बोलते हैं। और अभी इसके बारे में अंदर चल के मैं आपको अंदर का बारे में बताता हूं। और इसे एक झील भी बोला जाता है, बहुत ही सुंदर झील है ये। अंदर चल के अंदर की जानकारी देते हैं, अंदर चल के अंदर दिखाते हैं क्या नज़ारा है दोस्तों। और अभी मैं प्रेजेंट टाइम पर वहीं चलता हूँ। दोस्तों अभी मैं अंदर आ गया हूँ, इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे से, ये इसके अंदर मैं एंट्री कर गया हूँ। इस गेट से भी जो पीछे देख रहे हो आप, इससे जस्ट आगे यहाँ पर अंदर पानी में अंदर जाने के लिए, सॉरी पानी के अंदर भी नहीं जा सकते बट पानी के अंदर ही बोलेंगे इसको, अंदर जाने के लिए रास्ता है। बीच में एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है, अभी वहाँ चल के मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर, एकदम रोमांटिक नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं काफ़ी दूर दूर से। तो अभी कैमरे को घुमाकर मैं आपको वहां का नज़ारा दिखाता हूं दोस्तों, बने रहिए। अभी दोस्तों मैं वहां आ गया हूं जो कि पानी के अंदर एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। यहां पर क्या है सिस्टम, यहां एक लाइट है, स्ट्रीट लाइट जिसे बोलेंगे, बीच में खम्भे पर लाइट लगी हुई है, अभी आपने देखा होगा वीडियो में। उस लाइट को नाइट के टाइम पर जला दिया जाता है और काफ़ी अच्छा व्यू होता है रात को। यहाँ पर पानी में लाइट चमकती है और काफ़ी अच्छा व्यूज़ होता है। और अभी आप पीछे देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है। यहाँ की देख रेख भी सरकार अच्छे से कर रही है, मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कहा जाए तो क्लियरिटी भी बहुत है, क्लीन भी बहुत है, सफाई सुथरा भी है। और ये आप देख रहे हो लाइट, अभी मैं बीच में वहीं पर आ गया हूँ। यहाँ से आपको अभी कैमरे को घुमाकर चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके का नज़ारा है। काफ़ी सुंदर व्यू है, एकदम रोमांटिक देखा जाए तो। कपल्स के आने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, एकदम बीच में आकर काफ़ी अच्छा रोमांटिक जगह है ये। अभी मैं वीडियो को दिखाता हूँ आपको घुमा के। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए भी आते हैं इस तालाब में, इस झील में स्नान करने के लिए भी आते हैं। तो आपको मैं अभी स्नान करने वाली जगह भी दिखाता हूँ आपको, बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर आकर लोग स्नान भी करते हैं बैठकर। मैं अभी आपको शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कैमरे को घुमाकर दिखाता हूँ यहाँ पर अभी आपको। तो आप देख रहे हो ये जो पानी भरा हुआ है, इसका राज ये है कि ये बरसात से जो पहाड़ों से चारों तरफ से पानी इसमें आ जाता है, लेकिन पानी जब ओवर होता है, इसमें ज्यादा ही पानी हो जाता है, तो पानी के निकास के लिए भी एक रास्ता बनाया है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आपको वीडियो में। ये देख रहे हो, ये आप बोल्ट देख रहे हो, इस बोल्ट में इसकी एक चाबी होती है, उस चाबी से इसको लगाकर ऐसे उठाया जाता है नीचे से, जो फाटे के फाटे के ऊपर होने के बाद नहर के जरिए से अंदर के लिए जहाँ से पानी सामने निकल जाता है। ये देखिए मैं आपको हॉट टाइप का दिखा रहा हूँ, ये नीचे दिखाइए, ये हौद जो बना हुआ है इसमें से देख देख करने के लिए पानी के लिए, ये सामने से नहर के जरिए से पानी निकल जाता है दोस्तों। वीडियो में चलते हुए मैं आपको बता रहा हूँ
कि यहाँ जो तालाब साई है, यहाँ की विशेषता है कि ये हिंदू मुस्लिम तपस्या के लिए स्थान बहुत ही मान्य है। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ की बिल्डिंग्स जो है, किला जो है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अभी मैं किले के जस्ट बाहर ही हूँ, क्योंकि अंदर से एक गेट आया हुआ है और एक थोड़ा बाहर से, तो बाहर के गेट से मैंने एंट्री की हुई है। अभी मैं चलता हूँ अंदर चल के, यहाँ से आगे चल के दिखाता हूँ वहाँ आगे किस तरीके का व्यू है, क्या नज़ारा है। तो चलते हैं अभी हम आगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा था, मैं किले के आउट साइड से हूँ, जहाँ तालाब झील बोला जाता है यहाँ पर इसको भी, उस साइड में अभी आगे चल के जो राजा थे यहाँ के, वो वहाँ से बैठकर तालाब झील को, तालाब को देखते थे। और आगे उनकी कुर्सी भी बनी है, अभी मैं वहाँ बैठकर कुर्सी पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके का फील हो रहा है कुर्सी पर बैठने के लिए। और अभी मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ कुर्सी बैठने के लिए दोस्तों, क्योंकि कोई राजा की कुर्सी पर बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलते हैं अभी। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, ये पीछे किला बना हुआ है, ये रास्ता है अंदर से आने का बाहर का, और सामने इसके झील बनी हुई है जैसे तालाब है, और जस्ट इसी गेट के सामने ये कुर्सी बनी हुई है जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। अभी मैं इस पर बैठता हूँ और के देखता हूँ, ये काफ़ी पत्थर से ही पूरा कुर्सी है दोस्तों। वाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऐसा फील हो रहा है दोस्तों। ये भी एक देखिए क्या कलाकारी है, कुर्सी की डिज़ाइन देखी जाए तो काफ़ी बारीकी से इसकी डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा है ये, मैं यही कहूँगा। काफ़ी फूल पत्तियों से, देखिए हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कुर्सी है। और देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैमरे को घुमाकर, ये देखिए एक फूल बना हुआ है और ऊपर थोड़ा ही डिज़ाइन बनी हुई है, एक कबूतर बना हुआ है जिसकी चोंच नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं हाथ से दिखाता हूँ। ये देखिए इसके पंख बने हुए हैं, ये आँख है, ये इसकी चोंच बनी हुई है और ये फूल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो अभी मैं उस किले के अंदर आ गया हूँ, जिसमें अंदर अभी क्या है, गवर्नमेंट के हाथों में, ये सरकार के हाथों में, तो इसमें भी आरएसी जो है वो सभी लोग रहते हैं, ये भी एक पुलिस है यहाँ पर। आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ चारों तरफ कैमरे को घुमाते हुए, ये बाकी का कुछ नहीं है, रूम्स वगैरह बने हुए हैं और ये भी ये गवर्नमेंट के हाथों में, देखभाल सारी गवर्नमेंट कर ही रही है इसकी। और ये देखिए ये नीचे सीढ़ियाँ बनी है, जो अभी मैं अंदर से आया था, ये पूरा पीछे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, देखिए। तो फाइनली दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया है और अभी हम लोग यहां से आगे का वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं, काफ़ी समय है हमारे पास। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें, हो सके तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके भाई का मनोबल बना रहे और आपका प्यार मोहब्बत आपस में दोस्तों ऐसे ही बना रहे। और मुझे बताएं दोस्तों अगली वीडियो आपको कहाँ की चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।